मेरी जिंदगी का उसूल है, बेईमानी मैं करता नहीं हूँ और मेरे साथ बेईमानी करने वाले को मैं छोड़ता नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? अंकल क्या होगा? होगा क्या, साफ साफ घर जाके कह देना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वाह 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 वाह, इतनी आसानी से कह दिया कि घर जाके कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जो मार पड़ेगी वो। जो बात कल होनी है वो आज हो जाएगी। अब चलो। बेटा कौन था वो लड़का? जी उसका नाम अमर है, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। और तुम उससे प्यार भी करती होगी? जी। सुना भैया, कितने फखर से हाँ कह रही है, आजकल कॉलेज में यही नॉनसेंस पढ़ाई जाती है। आप लोगों को तो हर बात का तमाशा करने की आदत पड़ गई है। अरे भाई, हो सकता है कि लड़का अच्छा हो, अच्छे खानदान का हो, और फिर कहीं ना कहीं तो आरती की शादी करनी ही है ना। आरती, तुम लड़के के घर वालों से कहो कि हमसे आकर मिले। वेरी इंटरेस्टिंग मैन, आप भी बहुत दिलचस्प हैं। अजी जनाब, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बाय द वे सेठ जी, जी आपका बिजनेस क्या है? अजी पूछिए मत जनाब, इस शहर के हर बच्चे हर आदमी के सीने पर हमारा नाम छपा हुआ है। जनाब जाने दीजिए, हमारी बात छोड़िए, आपका बिजनेस क्या है? क्या बताएं, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। वाह 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 जनाब, आप जैसी पार्टी मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाए। लीजिए जनाब। ये लो तुम्हारे 50 रुपए। साफ छुट्टा नहीं है। तुम एक काम करो, पूरा ही रख लो। वाह जनाब वाह, आप जैसी पार्टी दिन में एक भी मिल जाए ना तो हमारी तो जिंदगी बन जाए। कहीं तुम नंदू दर्जी तो नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं नंदू दर्जी ही था और आज भी वही काम है, लेकिन आज नंदलाल एंड सन्स है। नंदलाल एंड सन्स डीलर? और कहीं आप गंगा प्रसाद जी के सुपुत्र शक्ति दयाल जी तो नहीं? कुदरत का करिश्मा देखिए जनाब, आपके हाथों से बख्शीश लेने वाला ये नंदू दर्जी आज आपका समधी बनने जा रहा है। गेट अप। कुछ गलती हो गई सर, इससे पहले कि मैं तुम बाप बेटों को धक्के मार के यहां से बाहर निकलूं। खबरदार, जो एक लफ्ज भी इसके आगे कहा तो आप समझते क्या है अपने आप को? चौधरी होंगे आप अपने घर में। Who cares and bothers? Who and what you are? एक मिनट बेटे, एक मिनट। सरकार दुनिया बदल गई है, जमाना बदल गया है। जमाना बदल सकता है लेकिन तुम लोगों की जात नहीं बदल सकती। क्या चौधरी खानदान के दिन इतने हल्के आ गए हैं कि वो अपनी बेटी की शादी एक दर्जी के बेटे के साथ करे? नाउ जस्ट अ मिनट मिस्टर चौधरी, आप अपनी हद से गुजर रहे हैं, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ए मिस्टर, इंग्लिश बोल लेने से, अच्छे कपड़े पहन लेने से गला घोड़ा नहीं हो जाता, इससे पहले कि मैं तुम्हें उठा के फेंक दूं। अपना हाथ अपने तक ही रखे और एक बात हमारी भी गौर से सुन ले कि चौधरी खानदान की ये लड़की नंदू खानदान की बहू बनकर आएगी। गुड बाउट, गेट आउट। साले दर्जी कहीं के चले आए चौधरियों से रिश्ता जोड़ने। नहीं, चुप करो। हमारा हक यह है कि हमने तुम्हें जन्म दिया, हमारा हक यह है कि हमने तुम्हारी परवरिश की, हमारा हक यह है कि हमने दुनिया की हर खुशी तुम्हारी झोली में डाली। और आपको उसका मुआवजा चाहिए? अरे आप क्या, दुनिया का हर बाप यही करता है, लेकिन आप पहले बाप हैं जो ये सब करके अपना हक जताते हैं। देखो बेटी, हम तुम्हारी खुशी के लिए उस दर्जी के लड़के को अपना दामाद हरगिज नहीं बना सकते। तो आप लोग भी मेरी बात सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उस दर्जी के बेटे से। गुड बाय। देखो आरती, अगर तुम इसी तरह उदास रही ना तो मैं वाकई नाराज हो जाऊंगा। पर कल जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। छोड़ो कल की बात, फैमिली में ऐसा होता ही रहता है। पर बाबूजी क्या सोचते होंगे वो? कोई कुछ नहीं सोच रहा, सोच तो बस तुम रही हो। छोड़ो ये सोचना बोचना, वरना मैं। आपको और कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनके लिए एक प्लेट हंसी और एक प्लेट मुस्कान ले आओ। क्या कहा आपने? क्या कहा मैंने? ये हुई ना कुछ बात, ये ले। आती। अंकल, हमारे लाख बार मना करने के बावजूद
फिर तुम इस फर्नीचर से मिलने आ गई। माय डियर अंकल इन लॉ, अपने होने वाले दामाद के बारे में जरा तमीज बात कीजिए। हमें तमीज सिखाता है? नादान लौंडे, शायद तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत प्यार की ताकत के सामने हल्की होती है। हाथ पांव टूट गए तो प्यार व्यार सब भूल जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त सबके सामने मैं खानदान की इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहता। चलो आती भैया, संभालो अपनी इस लाडली को। हमारे लाख मना करने के बावजूद फिर उस दर्जी के लड़के के साथ गुल खिला रही थी। दर्जी 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 का बेटा क्या हो गया? कोई भूचाल आ गया? हाँ, भूचाल आ जाएगा। उस हरामजादे की जिंदगी में अगर आज के बाद तुम उससे मिली तो खत्म कर देंगे उसको। नामो निशान मिटा देंगे उस शख्स का जो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? इज्जत की बात चौधरी शक्ति दयाल के मुंह से अच्छी लगती है, स्मगलर शक्ति दयाल के मुंह से नहीं। खबरदार जो मेरी औलाद पर हाथ उठाया तो समझा दो अपनी इस औलाद को इस घर के कायदे और कानून। तो चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। जबान चलाती। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। मैं पूछ रही हूँ, देखिए, मुझे लगता है आपकी आत्मा मर चुकी है। ममता और प्यार को आपने अपने पत्थर दिल के नीचे कुचल डाला है। क्या हक है आपको किसी के बनते हुए भाग्य को बिगाड़ने का? मैं उसका बाप हूँ, उसका अच्छा बुरा उससे ज्यादा अच्छा सोच सकता हूँ। जी नहीं, आप सिर्फ हमेशा अपना ही अच्छा सोचते हैं। हाँ, आप अपने उस बदमाश दोस्त जॉन के यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता पक्का करना चाहते हैं ताकि करोड़ों की जायदाद आप मिल जाए। बकवास बंद कर। बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आजकल के जमाने में जवान बेटी पर ज्यादा सख्ती करना ठीक नहीं है। माँ बाप का फर्ज है कि अपनी बेटी की मर्जी के बारे में भी कुछ ख्याल करें। नहीं नहीं नहीं, इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, सिर्फ मेरी। उसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहता हूँ। जी नहीं, आरती की शादी उसकी अपनी मर्जी से होगी, आरती की शादी मेरी मर्जी से होगी। जबान चलाती है, जबान। अपनी हद में रहो, मुझे इतना मजबूर न करो कि मैं अपनी मान मर्यादा छोड़ दूं। और एक बात कान खोल कर सुनो, आपकी ज्यादती मुझ पर चल सकती है, मेरी बेटी पर नहीं। आरती, ओफो, आरती, रो मत आरती, नहीं नहीं, मैं मर के बगैर नहीं रह सकती मम्मी, मैं मर जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी। सुन, तू क्यों रोती है? हाँ, मैं हूँ ना, मैं बैठी हूँ ना तेरे लिए, तू जैसा चाहती है ना वैसा ही होगा। लेकिन आरती, एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में किया हुआ फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाए। नहीं मम्मी, अमर बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे पालूंगी तो जिंदगी की हर खुशी पालूंगी। मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ। मैं आपके भरोसे की पूरी लाज रखूंगा, हमें आशीर्वाद दीजिए। कि एक माँ अपनी बेटी को बिन बिहाए किसी गैर मर्द के साथ भगवा सकती है? तुम्हारी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब दूंगा। आप कुछ नहीं करेंगे, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार की मंजिल है शादी। शादी नहीं है, बर्बादी है, उस लड़के की और उसके पूरे खानदान की।